नमस्कार, मैं शबीना परवीन और आप देख रहे हैं मेरे साथ भारत मीडिया। बेलथावड़ में प्रताप होटल सील, एसडीएम संग सीओ ने रूटीन चेकिंग के दौरान की कार्रवाई। रसरा सीओ फहीम ने बताया होटल में मिली अनियमितता। छापेमारी के दौरान पुलिस वहां घंटों जमी रही। खबर जनपद बलिया से। बेलथावड़ नगर के माल गोदाम स्थित एक होटल पर सोमवार को जाँच के लिए पुलिस करीब 5 घंटे जमी रही। होटल में नियम के अनुसार उचित व्यवस्था न होने पर देर शाम एसडीएम सीमा पांडे की मौजूदगी में रसरा सीओ फहीम अहमद ने होटल को सील कर दिया। सीओ फहीम ने बताया कि होटल अब तक बिना रजिस्ट्रेशन, अग्निशमन रोधी यंत्र और बिना पार्किंग व्यवस्था के तहत अनियमितता के साथ संचालित था, जिसे जांच तथा विधिक कार्रवाई पूरी होने तक सील कर दिया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि होटल में मौजूद अनेक ग्राहकों के आधार कार्ड भी पुलिस कस्टडी में लेकर जाँच की जा रही है। होटल पर छापेमारी के बाद नगर में तरह तरह की चर्चाएं व्याप्त है। बिना मजिस्ट्रेट पुलिस के घंटों पुलिसिया कार्रवाई और जांच को लेकर आम लोग चर्चाएं करते नजर आए। ऐसी ताजा खबरों के लिए बने रहे भारत मीडिया के साथ। भारत मीडिया के लिए बलिया से घनश्याम शर्मा की रिपोर्ट। आज थाना उभाव क्षेत्र में होटल प्रताप रेलवे स्टेशन रोड पे है, तो उसको चेक किया गया। तो चेकिंग के दौरान काफ़ी अनियमितताएँ पाई गई, काफ़ी सारी चीज़ें स्टैंडर्ड के अनुरूप नहीं मिली, तो जिसके क्रम में जो है होटल पे कार्रवाई की जा रही है और जो भी आगे की कार्रवाई होगी उसको आप लोगों को अवगत कराया जाएगा। तो सर, अभी होटल को क्या प्रोसीजर सीज किया जाएगा? अभी होटल को सीज करने की कार्रवाई की जा रही है। एसडीएम मैडम आ रही है उनके साथ। तो किस प्रकार की अनियमितता पाई गई है सर? काफ़ी सारी अनियमितताएँ पाई गई हैं, जिसमें रजिस्ट्रेशन से लेके फायर पार्किंग की व्यवस्था, काफ़ी सारी अनियमितताएँ हैं।